दोस्तों आप यहाँ लाइव देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फोन हैंग होता है या नहीं। यहाँ देखिए, ऐप ओपन करने पर टाइम लगता है, कोई भी ऐप ओपन करने पर टाइम लगता है, जल्दी से ओपन नहीं हो रहा है, हैंग कर रहा है, या आपका ऐप ओपन करने पर या कुछ भी करने पर लॉक स्क्रीन इस तरह से हो जाता है, अंधेरा हो जाता है या बंद हो जाता है, हैंग करता है। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अगर फोन हैंग करे तो कैसे हम इसे ठीक करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों चार ट्रिक बताऊंगा, इन चारों ट्रिक को आजमाएंगे तो आपका फोन हैंग करना छोड़ देगा। चले जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल को इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद आपके फोन में एक लोकेशन का आइकन होगा और लोकेशन लिखा रहेगा। देखिए यहाँ नहीं है तो आपको इस तरह करना है, या आपको इस तरह करके देखना है, ऊपर नीचे कहीं पर भी लोकेशन आपको मिल जाएगा। लोकेशन पर आपको क्लिक नहीं बल्कि आपको प्रेस करना है, दबाना है कुछ सेकंड तक। जब आप यहाँ दबाते हैं तो आपके सामने आ जाते हैं यूज लोकेशन। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ दिख रहा होगा नीचे में लोकेशन सर्विस है। एक और फोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम चीज आपको मिलेंगे सभी एंड्रॉयड फोन में, एक ही जैसा मिलेगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन में भी, यहाँ दिख रहा होगा लोकेशन है, प्रेस करता हूँ, प्रेस करने पर आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरह से आ जा रहा है। देखिए नीचे दिख रहा होगा लोकेशन सर्विस है, इसमें भी सेम है। तो आपको यहाँ लोकेशन सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों को ऑफ कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑफ करना है। ऑफ करने पर बहुत सारे फायदे हैं, जो स्कैनिंग होते हैं जब आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते उस टाइम भी ये दोनों काम करता है, स्कैनिंग करते रहता है लोकेशन के लिए, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद आप यहाँ देखिए इस फोन में भी सेम है, इस फोन में भी आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे ब्लूटूथ स्कैनिंग, आपको यहाँ क्लिक करके ऑफ करेंगे। और यहाँ देखिए दिख रहा होगा वाईफाई स्कैनिंग, आपको यहाँ क्लिक करके इसे भी ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ बैंक आना है, बैंक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक और सेटिंग करना है। अभी पहला सेटिंग कंप्लीट हुआ है, दूसरा सेटिंग जानते हैं क्या करना है। दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ इस तरह करना है, इस तरह करने के बाद आपको अपने फोन का सेटिंग को ओपन करना है। चलो मैं सेटिंग ओपन करता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको इस तरह करना है, इस तरह करते हैं तो आपको यहाँ सिस्टम मिल जाएगा। सभी के फोन में सिस्टम होते हैं, चाहे कोई भी फोन हो सभी में सिस्टम होंगे, तो आपको इस तरह से ढूंढ कर देखना है नीचे, या किसी किसी में ऊपर होता है सिस्टम आप ढूंढेंगे, या आपके फोन में एडिशनल सेटिंग है तो एडिशनल में भी सिस्टम हो सकता है आप ढूंढेंगे। तो आपको यहाँ सिस्टम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शंस इनेबल नहीं है तो आप इनेबल कर लेंगे अबाउट सेक्शन में जाकर के, बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार क्लिक करने के बाद इनेबल कर लेंगे। इनेबल करेंगे तो सिस्टम में आ जाएगा इस तरह से डेवलपर ऑप्शन, या आपको यहीं पर भी मिल जाएगा नीचे में डेवलपर ऑप्शन, तो आप ढूंढ कर निकालेंगे। चलो मैं डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आपको भी क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह करके ढूंढना है, एनिमेशन वाला ऑप्शंस कई सारे मिलेंगे, चलिए दिखाते हैं। दोस्तों आप यहाँ देखिए एनिमेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, विंडो एनिमेशन, आप यहाँ देखिए स्केल, आपको इस पर क्लिक करके इसे ऑफ करना है, इस तरह ऑफ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल पर क्लिक करने के बाद इसे भी ऑफ कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, आपको यहाँ क्लिक करने के बाद इसे भी ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद बैंक आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो भी आप ओपन करेंगे ऐप वगैरह फटाफट यहाँ ओपन होगा, हैंग प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए फटाफट ओपन हो रहा है, इस तरह जो हैंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये दूसरा सेटिंग था, अब चलिए तीसरा सेटिंग की बात करते हैं। तीसरा सेटिंग आपके प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है फोन में। ओपन करने के बाद आपको यहाँ अपने प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेटिंग्स है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए नेटवर्क प्रीफ्रेंसेस, आपको यहाँ क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं ऑटो अपडेट्स ऐप होगा, आपको यहाँ क्लिक करने पर आपको यहाँ दिख रहा होगा ओवर वाईफाई ओनली है, तो आपको यहाँ डंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक करना है नीचे वाले प्रेस के बाद, आपको यहाँ ओके करना है। ओके करने पर तीसरा सेटिंग कंप्लीट हो जाता है और कुछ हैंग प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए कितना स्पीड काम कर रहा है, कुछ भी आप ओपन करोगे फटाफट ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपको अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। चलिए दिखाते हैं चौथा सेटिंग क्या है। चौथा सेटिंग आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है,
ओपन करने के बाद आपको यहाँ अपने सेटिंग में ऐप मैनेजमेंट या एप्स को खोजना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए मैं खोज रहा हूँ, आपको भी खोज कर निकालना है। इस तरह आप खोजेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट। आपको यहाँ क्लिक करने पर आपको यहाँ ऐप को क्लियर कैच करना है, जो कि इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप यहाँ स्टोरेज एंड कैच पर क्लिक करने पर आपको यहाँ क्लियर कैच पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ इस तरह से कैच कर लेना है। सभी ऐप्स को करने के बाद आपको यहाँ अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते हैं तो आपका फ़ोन एक बार रीस्टार्ट हो जाने के बाद फ्री हो जाता है और हैंग प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह आप आसानी से अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है तो आप ठीक कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।